तर बाळासाहेब ठाकरेंच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाचा ट्रेलर या क्षणी लॉन्च होतोय. त्या ठिकाणी थेट जाणार आहोत. उदय जाधव आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. उदय, काही क्षणात हा ट्रेलर लॉन्च होणार आहे, किती उत्सुकता शिवसैनिकांमध्ये? स्वाती, मी आता स्क्रीन वन मध्ये आहे आणि या स्क्रीन वन मध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांचं आगमन झालेलं आहे. समोरच्या बाजूला जर आपण बघितलं तर मोठी गर्दी आहे. अगदी पहिल्या रांगेमध्ये स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सपत्नीक बसलेले आहेत. स्वतः शिवसेना नेते संजय राऊत हे देखील त्यांच्यासोबत आहेत. या ठाकरे सिनेमातील जे कलाकार आहेत ते कलाकार सुद्धा पहिल्या रांगेमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बसलेले आहेत. समोर स्टेजवरती आपण ठाकरे या सिनेमाचा एक मोठा बॅनर बघत असाल, व्यासपीठ आहे. त्याच व्यासपीठावरती एक छोटेखानी कार्यक्रम देखील होणार आहे आणि याच समोरच्या स्क्रीनवरती ठाकरे सिनेमाची पहिली दृश्य, पहिला ट्रेलर जो आहे तो आता थोड्याच वेळात दाखवण्यात येणार आहे. थोड्याच वेळात दाखवण्यात येणार आहे हा ट्रेलर आणि त्यासाठी इथं जय तयारी करण्यात आली आहे. सर्वांना इथे बसण्यासाठी सांगण्यात आलेलं आहे. सिनेमातील सर्व जे कलाकार आहेत ते आता इथे स्थानपन्न होत आहेत आणि समोर सर्वात प्रथम ट्रेलर दाखवण्यात येणार आहे. ट्रेलर दाखवल्यानंतर इथे सगळ्यांचे आभार व्यक्त केले जाणार आहेत आणि छोटेखानी कार्यक्रम देखील होणार आहे. आपण समोरच्या बाजूला जर बघितलं तर खूप मोठी गर्दी झालेली आहे आणि ही गर्दी वरती कंट्रोल करण्यासाठी पोलीस देखील या थिएटरमध्ये आलेले आहेत. समोरच्या बाजूला आपण बघत असाल की पोलीस देखील इथे आतमध्ये आलेले आहेत. समोर निवेदन करण्यात येत आहे की सर्वांनी आपल्या स्थानावरती बसून घ्या, जेणेकरून पहिल्याच इथे वेळी काहीतरी कार्यक्रम जो आहे तो इथे करताना दिसतात आपल्याला. अगदी उदय, तर एकूणच आता काही क्षणामध्ये हा ट्रेलर लॉन्चिंगचा जो कार्यक्रम आहे तो पार पडणार आहेत आणि इतर अनेक कार्यक्रमांचं देखील या ट्रेलर लॉन्चिंगच्या अनुषंगानं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि या ट्रेलर लॉन्चिंगची प्रत्येक क्षणाक्षणाची अपडेट आपण पाहतोय. आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव त्याचबरोबर विनय देशपांडे ज्या की त्या ठिकाणी सध्या या क्षणी चित्रपटगृहात उपस्थित आहेत, आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. तर आपण पाहतोय ही लाईव्ह दृश्य या ट्रेलर लॉन्चिंग कार्यक्रमाची. मोठ्या उत्साहात खूप मोठी वातावरण निर्मिती करत जानेवारीमध्ये खरं तर हा चित्रपट रिलीज होणार आहे, मात्र त्याचा ट्रेलर या महिन्यात म्हणजेच आज लॉन्च करण्याचा निर्णय शिवसेनेकडून घेण्यात आलेला आहे आणि त्या पद्धतीनं हा ट्रेलर या ठिकाणी लॉन्च होतो. नमस्कार डियर व्यूअर्स एंड सज्जनों, मैं हूँ आपकी होस्ट संगीता सिंह और इस महोत्सव में हृदय पूर्वक मैं हमारे अतिथिगण का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित हमारे मीडिया फ्रेंड्स का भी मैं अभिनंदन करती हूँ. जी हाँ दोस्तों, हमारे दोस्तों बाला साहेब ठाकरे और हमारे ही प्रदर्शन कराने वाली हमारी ठाकरे. सही दिल से स्वागत करना चाहती हूँ. तो आप सभी की जोरदार तालियों की गुजारिश करूंगी. स्वागत करते हैं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब का, बहुत बहुत स्वागत है. इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी रश्मि ताई ठाकरे जी का, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. और दोस्तों, दंगे की चोट पर अपनी बात को कहने वाले सामना अखबार के कार्यकारी संपादक, शिवसेना के नेता और सांसद संजय जी राउत का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. ऑफ कोर्स द मैन द फोर्स बिहाइंड दिस
ग्रेट फिल्म। स्वागत करना चाहूंगी हुनर की हार दोस्तों अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रतिभावान यू नो अदाकारा दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए अमृता राव जी के लिए भी। साथ ही स्वागत करना चाहेंगे कार्निवल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत भाटी साहब का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी वाईकॉम 18 स्टूडियोज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारी जी का। तो थोड़ी जोर शोर से तालियां हो जाए। और सभी हमारे यहाँ जो मीडिया पर्सन हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुदेवी और सज्जनों, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नाम सुनते ही एक सन्नाटा सा जाता था। जी हाँ, ये उनकी आवाज का दमखम था कि उनके आने की सिर्फ भनक, उनके आने की सिर्फ निगाहट और कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए हमारा दिल थमता जाता था। बाला साहेब जी की जब एंट्री होती थी ना तो तालियों की जो गर्जना होती थी ऐसी गर्जना शायद बादलों की गर्जना उससे उसकी तुलना की जा सकती है। फिर ये कहा जाता है कि बादलों की तुलना दोस्तों बादलों की जो गर्जना है वो भी कहीं ना कहीं पानी का बचाए लगती थी। तो शायद ये वो एंट्री थी जो हम सबको याद रहती है। दोस्तों उनकी एंट्री के दौरान जो नारे लगते थे उसमें सबसे यादगार जो नारा था तो मैं आप सभी का इसमें साथ चाहूंगी, कोड आला रे कोड आला। थोड़ी सी वो दमखम यहाँ भी होना चाहिए, कोड आला रे कोड आला। जी हाँ, यही वो नारा है जो कहीं ना कहीं आज भी हम सभी के जहन में गूंजता है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, जी हाँ उस गर्जना को एक बार फिर आप सभी सुनेंगे इस रूखले पर्दे पर जिसके लिए हम सभी आतुर हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बालाजी थे दोस्तों तो ऐसा लगता था कि हमारे असली पिता के साथ कहीं ना कहीं एक और पिता हमारे पीछे खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक माँ की ममता हमारे साथ चल रही है। और उनके जाने के बाद एक पूरा खत्म करेगा, शायद दुनिया की कोई भी ताकत इस खालीपन को अब भर नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं उनके जो उसूल हैं, उनकी जो निर्भयता है हमारे जीवन में हमारे दिलों में बल कर जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जी हाँ, उनके जीवन के कुछ बहुत ही खूबसूरत अंतरंग पल को ये फिल्म दर्शाती है। और इस फिल्म में इसके अलावा इस फिल्म के पिटारे में क्या क्या है हम सब इस सब को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। तो दोस्तों बाला साहेब के बारे में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है हम सभी में। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए जी हाँ रियल लाइफ में उनको उतारने के लिए और रियल लाइफ में जो हमेशा उनके साथ रहे उनके समक्ष आज ये सब हैं। तो चलिए पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी वाईकॉम 18 स्टूडियो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारी साहब। बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि आनी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर पहले वो फिल्म और अब बाला साहेब के जीवन शैली पर हाथ देने से आखिर इस सब की वजह क्या है, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। देखिए सबसे पहले तो सबका स्वागत और खासतौर से उद्धव ठाकरे जी का स्वागत जो सपरिवार यहाँ पधारे हैं और इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं। या ये कहा जाए कि इन लोगों ने हमें इस कार्य में सम्मिलित किया है क्योंकि ये जो सब मेहनत है संजय जी की है, अभिजीत जो हमारे कलाकार, नवाज, अमृता सभी लोगों की मेहनत है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस सफर में, इस प्रवास में जुड़ गए। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि वाईकॉम के लिए ये जो फिल्म है ये दो लैंग्वेजेस में पहली बार एक साथ रिलीज होगी, हमने ये पहले कभी नहीं किया है। तो ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों में एक वक्त सिनेमाघरों में देखी जाएगी, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है हमारे लिए, बड़ी यूनिक बात है। दूसरी बात ये कि ये हमारे स्टूडियो के लिए 75th फिल्म है, 75वीं फिल्म और हमारी 10वीं मराठी फिल्म। तो इन दो माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने के लिए इससे ज्यादा अच्छा खूबसूरत सब्जेक्ट, इससे ज्यादा इंस्पायरिंग सब्जेक्ट शायद ही हमें मिलता। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टनरिंग विद अस। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू कार्निवल, श्रीकांत इज हियर, सुनील इज हियर, थैंक यू ऑल वेरी मच।
film is a is a very big team work. It's a very big team play, and we are very excited about what we have here. Of course, there is a big journey with Nawaz that we have had, and you were talking about our journey in Marathi, Kashinath Ghanekar. Now, when you were thinking of Marathi films, you said we should bring out characters, personalities, which we all celebrate daily. So why do we go and look for fiction stories and new stories when there are such cinematic characters that exist and such stories that already are there, you know? But doing this film is also a huge responsibility, because as you said, you used the word, you know, chani chai mein pani kam, you know, with Balasaheb Thackeray, anything that you do, the standards are so high, the bar is so high that it's almost embarrassing that you are going on this venture. So I would really want to compliment Nawaz, who's there to, you know, roar like the tiger here. And I think it's a very ambitious venture for us, and we are so looking forward to it. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, sir. Request you, please kindly take a seat. So ladies and gentlemen, thodi zor dar taaliyan ho jaye, and bahut hi insightful ye beginning rahi hai. Aur chaliye isi ke saath, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हाँ, द मैन द फोर्स बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट पे दोस्तों आप सभी की तालियां चाहूंगी. और हम सब जानते हैं कि ना ही वो सिर्फ एक शिवसेना के नेता हैं, लेकिन बाला साहेब जी के बहुत ही करीब रहे हैं. तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के बीच. लेट्स हियर इट फॉर श्री संजय राउत जी. तो जोरदार तालियां हो जाए. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. हेलो. तो आपसे तो जितना भी कुछ पूछा जाए शायद वो कम होगा, क्योंकि जिस तरीके का आपका एक अटूट रिश्ता रहा है बाला साहेब ठाकरे जी के साथ. मैं कम बोलता हूँ, चलिए हमेशा मेरे मन में रहता हूँ. आज थोड़ा सा कुछ आपसे सुन लिया जाए कि क्या विजन रहा है आपका इस फिल्म के पीछे. देखिए, बाला साहेब ठाकरे जी महान व्यक्ति, इतिहास में बार बार कह जाते, जिसे हम अमर कहते हैं, वो अमरत्व बाला साहब के पास ही रहा हमेशा, आज भी है. और जब मैं मन के साथ जब देखता हूं कि मेरा उनके साथ जो प्रवास रहा वो बहुत ही रोमांचक रहा. बाला साहब की ऐसी शक्ति थी कि उनके आसपास आने वाले किसी भी सामान्य व्यक्ति को वो असामान्य बना दे. सामान्य व्यक्ति उनके साथ वो शूर बनाती थी, उनको वीर बनाती थी, उनको असामान्य बनाती थी. कि मैं बाला साहब के साथ काम करता हूं या उनके साथ मेरा रिश्ता है, उसका मतलब है अब असामान्य. तो बहुत से सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाने की ताकत हमेशा बाला साहब में रही. तो मैंने नजदीक से देखा है, महसूस किया है, एक शक्ति थी, आज भी वो शक्ति हमारे साथ है. तो शायद यही वो बातें हैं जो बहुत ही उभर कर, बहुत ही निखर कर, जिस तरीके का आपका ये जो ख्याल है, जो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त, ये सब कुछ इस फिल्म में बहुत कोशिश किया है मैंने. क्योंकि बाला साहब जैसी व्यक्ति, महान व्यक्ति को दो घंटे में या तीन घंटे में आप पर्दे पर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते. जिसे आप लाइफ कहते हो उनसे भी बड़े थे बाला साहब. जो उनके साथ रहे वो महसूस करते थे, वो जो नहीं रहे वो ज्यादा महसूस करते बाला साहब. तो मैं सोचता हूँ कि ये छोटा सा हमने कोशिश बाला साहब को लोगों के सामने फिर एक बार देखो. हम जो कहते हैं कि बाला साहब शेर थे, हमने जंगल में बहुत शेर देखे ऐसा नहीं, लेकिन आज भी बाला साहब हमारे बीच नहीं है, मुझे लगता है कि शेर है. दहाड़ हम सब सुन सकते हैं, इतिहास में वो दहाड़ कोई मिटा नहीं सकता. बिल्कुल, ठाकरे का मतलब ही है दहाड़, गर्जना और रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में भी, सर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में भी आप चंद शब्द कह दें. नहीं नहीं, मैंने कहा कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं इस फिल्म के, उनके बारे में भी अगर आप चंद शब्द कह सकते हैं तो. मिस्टर पानसे,
अभिजीत को मैंने बहुत बचपन से देखा है, और जैसे अजीत अंधारे जी का बोल रहे थे, ये एक बहुत बड़ा वेंचर है। जब मैंने उसकी शुरुआत की तब मेरे साथ कोई आने को तैयार नहीं, बहुत से डायरेक्टर और मेरे पास नहीं ना, बाला साहब की फिल्म पॉसिबल नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं बड़े बड़े डायरेक्टर के पास गया। लेकिन फिर मुझे अचानक अभिजीत याद, ये है कोई मेरे साथ नया लड़का काम करेगा, अभिजीत ने बाला साहब को देखा है और अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है अभिजीत ने। डायरेक्टर क्या होता है, बाला साहब की भूमिका हो या माँ साहब की भूमिका अमृता जी ने की या नवाल भाई ने, बाला साहब की भूमिका की, अपने आप बाला साहब अंदर आ जाते हैं। लेकिन माँ साहब को लाना थोड़ा कठिन था क्योंकि उनका कोई रेफरेंस नहीं है माँ साहब, बाला साहब के तो बहुत रेफरेंस है, आपके पास देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन माँ साहब का कोई संदर्भ नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा कठिन काम अमृता ने किया है माँ साहब। अभिजीत जी मेरे साथ, अभिजीत मेरे साथ जुड़ान कैसे से, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर स्टोरी तो मैंने बनाई, मैं बाला साहब को ज़्यादा देखा है, लेकिन ये सब जो कलाकार मेरे साथ जो शुरू था उनमें बाला साहब लाना बहुत ज़रूरी था। हमने कोशिश की, अभिजीत ने बहुत मेहनत की है, नवाज भाई को मैं बहुत उनका फैन रहा हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि नवाज भाई को आपने बाला साहब करोड़ कैसे गंदी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गुजारिश करती हूँ कृपया करके आप स्थान ग्रहण करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कार्निवल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत पाती साहब को, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ इस मंच पर। तो आपके लिए तो मेरे पास एक ही सवाल है कि पहले तो सचिन या बिलियन ड्रीम्स और इसके बाद ये सिक्सर, तो कैसे सोचा आपने ये सब कुछ? दोनों अलग अलग, सबसे नमस्कार सबको, मैं शुक्रगुजार हूँ उद्धव जी ठाकरे साहब का और संजय जी रावत जी का कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया इस मूवी में एसोसिएट होने की, थैंक यू वेरी मच। दोनों अलग अलग पिक्चर है, अलग अलग डोनर के पिक्चर मूवी में, और एक खेल के ऊपर है, और ये जो है ये हर एक इंडियन, अगर आप भारतीय हैं ये उनके लिए, और ये ये मूवी हमारे लिए, ये मूवी से बढ़ता है, ठाकरे जो है हमारे लिए मूवी से काफी बढ़ता है, शायद ये एक एहसास है हम सभी लोगों के लिए, एक रेफरेंस भी है। आप ये मूवी देखने के बाद में ये एहसास करेंगे जितने भी यूथ है हमारे इंडिया के, जितने भी यंग जनरेशन है, वो हो सकता है आई एम श्योर कि वो इसको रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि तो जब आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आता है हाउ कॉन्फिडेंट एंड वॉट डिटर्मिनेशन से आप इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और चलिए दोस्तों, इस सितारे के बारे में जितना भी कहा जाए कम होता है, क्योंकि जब भी इन्होंने किसी भी किरदार को निभाया है तो वो किरदार को उन्होंने अमर कर दिया है, लेकिन आज एक अमर किरदार को ही निभाते हैं। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करना चाहूंगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत स्वागत है नवाज भाई। तो आपके लिए जैसा मैंने कहा कि हर किरदार जब आप उसका रोल निभाते हैं तो उसको अमर कर देते हैं, और अब इस अमर किरदार को आप निभा रहे हैं, तो क्या भावना रही है और आपकी ओर क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू राज साहब, पहली बार जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और इस के लिए रोल में कर रहा हूँ, और मुझे यकीन कि वो अपने आप पे, फिर हम लोग नीचे गए जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो उसके नीचे गए, और मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे ग्रेट मोमेंट था वो, हम लोग तीन साथ में थे, मैं ब्रदर और मेरा अनूप, तो
मेरी खुशी वो तो मालूम होगा कि कितना खुश हुआ था मैं, और क्योंकि इसलिए खुशी हुई कि आई थिंक ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रोल था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना और जैसे जैसे टाइम आता गया कि मैं नर्वस होता गया क्योंकि मैं किस तरीके से कर पाऊंगा, ये रोल कैसे करूंगा। आई थिंक और वो सारी जो मेरी परेशानी जो मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट किया वो अभिजीत ने, और फिल्म के दौरान भी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ही ईज करते चले गए मुझे और एक कॉन्फिडेंस देते चले गए जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ। मैं बस यही कहना चाहूँगा बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे एक्टर को ये कैरेक्टर मिले, मेरी अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स टू उद्धव जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, राव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अब खुद अमार करूँ क्योंकि बाड़ा साहब की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में। और वो चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत ही एक अहम किरदार निभाया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा किरदार जिनके बिना बाला साहेब का जीवन बिल्कुल अधूरा होता, वो उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, और आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं मीका नायक ठाकरे की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं यहाँ पर स्टेज पर हमारी अदाकारा अमृता राव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमृता जी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हमारे जो स्पीचेस हुए हैं उसके दौरान जैसा कि राउत साहब ने कहा कि ना कोई रेफरेंस था, कहीं हम बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, हम उनकी स्पीचेस नहीं थी, तो किस कितना कठिन था आपके लिए और किस तरीके से आपने इस किरदार को निभाया और क्या कोशिश रही आपकी और किस तरीके का होमवर्क रहा आपका? सगळ्यांना माझा नमस्कार आणि मीडियाला पण थँक यू टू बी हियर विथ अस ऑन सच अ बिग डे। बिल्कुल सही बोला आपने, मां साहब का कोई रेफरेंस नहीं था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने एक बार सोचा भी कि आपसे रश्मि जी या उद्धव जी से क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या पता करना चाहिए कि वो कैसी थी, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। पर मैंने फिर अपना कुछ रिसर्च किया, देखते हैं। और ऑफ कोर्स यू नो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर अभिजीत पांडे सर, रोहन मापुसकर एंड ऑफ कोर्स संजय राव जी, उद्धव जी, रश्मि जी। दिस इज जस्ट नॉट कास्टिंग, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब ऐसा रोल आता है, ये एक सम्मान है और ये मुझे मिला है, ये बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को हमारा काम पसंद आए। जैसे कि सब ने कहा है ये आसान नहीं है कि इतने बड़े शख्स पे आप एक फिल्म बना रहे हो, भी 2-2.5 घंटे की फिल्म, आसान नहीं है, हमारी कोशिश रही है और आपका साथ मिले तो हमें सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतिहास गवाह है कि जब क्रांति का बिगुल किसी ने बजाया तो उसे जेल भेजकर उस बिगुल की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो शायद वो क्रांति क्रांति नहीं थी। क्रांति के इतिहास को इस युग में जीवित रखने वाले बाला साहेब ने, जब लोग व्यवस्था के सामने चू करने से भी डरते थे, उस वक्त बाला साहेब ने दोस्तों ताल ठोककर अपनी आवाज बुलंद की और हिंद हृदय सम्राट बनकर सभी के दिलों पर राज किया। आज हर कोई सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, लेकिन एक समय था जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बाला साहेब जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे।
न जाने कितनों के घरों में हमने बाला साहेब के साथ खींची हुई तस्वीरों की एनलार्ज फ्रेम्स देखी हैं। जब भगवान सामने नहीं होते तब हम हजारों मन्नतें करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तब जुबान जैसे खांसी जाती है, सिर सर झुकता है। यही होता था बाला साहेब के सामने आने पर। और इसी के साथ दोस्तों, आइए जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ इस मंच पर स्वागत करते हैं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब। जय महाराष्ट्र। मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपके लिए, सब बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, ये मंच आपका है। और अभी अयोध्या से आए हुए कुछ दिन बीत गए तो हिंदी बोलने की प्रैक्टिस भी मेरी शुरू नहीं हुई। क्या कहें, आज भी मैं सामने बैठा था और सारे लोगों की बातें सुन रहा था तो ये पिक्चर तो कितने दो घंटे की हो, मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी। और एक बात तो सही कहा सारे लोगों ने कि बहुत ही कठिन काम है। नवाज जी, आपने भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, एक कल्पना के आधार पर कुछ स्टोरी होगी तो एक थोड़ी तो आसान होती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मत हुआ 300-400-500 साल पुराना नहीं, अभी अभी तक आपके साथ था और आज भी हम मानते हैं हमारे बीच में वो है। और ऐसे व्यक्ति को पर्दे पर उनकी व्यक्ति रेखा साकार करना बहुत ही कठिन था। और संजय जी कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, संजय थे तुम्हारा हमारा परिवार है, ये काम करने के लिए कोई तो हिम्मत वाला चाहिए, हिम्मत वाला कोई हो तो ही एक ऐसा काम हो सकता है। और सिर्फ हिम्मत वाला नहीं, बाला साहब के ऊपर दिल से प्यार करने वाला चाहिए, तो ये पूरी एक टीम है बाला साहब के ऊपर प्यार करने वाली। और हिम्मत से जो उन्होंने कुछ पूरे जिंदगी भर उन्होंने क्या दिया, संजय जी बहुत कठिन काम है, जैसे मैंने कहा मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी, आपने वो सारा 2 घंटे में अपनी कोशिश की सबके सामने लाने के लिए। मैं तो यही चाहूंगा कि ये फिल्म नहीं है, जिए तो कैसे जिए, जो बाला साहब कहते थे कि बिना हो तो मरते रहते जीवन, तो ये जो एक संदेश उन्होंने दिया था वो संदेश जिसमें मैं मानता हूं कि आपने दिया होगा, मैं तो पूरे दिल से प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ ये फिल्म नहीं, ये जो आपने शिवधनुष्य उठाया है शुभकामना है और आज तक के पूरे रिकॉर्ड फिल्मों के एक अच्छे तरीके से तोड़ दे और राज्य में नहीं देश में नहीं विदेश में भी इस फिल्म की चर्चा हो जाए, इसे एक शुभकामना देता हूं और देखते आगे फिल्म चलती है। जय हिंद जय महाराष्ट्र। और इतना कुछ कहने और सुनने के बाद दोस्तों, जी हाँ, वो लम्हा आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है आज के इस दिन, जिसके लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। Time for the official trailer. और इसी के साथ हमारे सभी माननीय अतिथिगण से निवेदन है, कृपया करके आप लोग मंच पे आए दोस्तों। अब हम अपने इस मंच को क्वेश्चन आंसर के लिए वी शैल ओपन द पोर्टल फॉर द Q&A। सो हम विल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर गेस्ट प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज।
उद्धव जी ठाकरे जी सर, संजय राउत जी, उद्धव जी ठाकरे, हमारा भी ट्रेलर दाखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर प्लीज, अमृता राव जी, अजीत अंधारे साहब सर, कुड यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज, एंड डॉक्टर श्रीकांत सर, वसी सर, कुड यू ऑल्सो प्लीज हैव यू जॉइन अस ऑन स्टेज. तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय येत्या 25 जानेवारीला सर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या जीवनावरती आधारित या चित्रपटाचा ट्रेलर या ठिकाणी पूछने का पूरा मौका मिलेगा. गुजारिश है की कृपया करके थोड़ा सा धैर्य धरे. ट्रेलर लॉन्चिंग चा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण थेट वडाळ्याच्या या सिनेमा गृहातून पाहतोय. वी हैव द माइक्स और अगर आपके क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री. 25 जानेवारीला बाळासाहेब ठाकरेंच्या आयुष्यावर आधारित हा चित्रपट ज्याची गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा आहे, सर्वसामान्य नागरिकांपासून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा झालेला हा चित्रपट 25 जानेवारीला सर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय, ज्याचा ट्रेलर आज या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते लॉन्च करण्यात आलेला आहे. ट्रेलर देख के रेवते खड़े होते हैं और महसूस होता है कि हम उस वक्त में पहुंच गए. संजय जी आपसे मेरा सवाल, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या चैलेंज था आपके लिए कास्टिंग? जैसे बहुत लोगों ने कहा स्टेज पे भी बड़ा मुश्किल था लोगों को लाना, और वो कौन डायरेक्टर थे जिन्होंने आपको कहा? मैं आपका नहीं, मैं आप पूछता हूँ कास्टिंग का जी. कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने नवाज साहब का कास्टिंग 2 मिनट में किया है. नवाज साहब जो मुख्य भूमिका में है वो तो बहुत चैलेंजिंग रहा. उससे पहले भी जब नवाज साहब का कास्टिंग हो रहा था तो हमारे सामने बहुत से नाम आ रहे थे, बड़े बड़े एक्टर सुपरस्टार, लेकिन उनके साथ शूटिंग भी हो रही थी, लेकिन उसमें बाला साहब कहे मुझे जी. तो मैंने नवाज साहब को बताया कि आपका कास्टिंग कैसा हुआ. उनकी एक फिल्म थी, मैं जब एक बार बाइक से जा रहा था तो सामने स्क्रीन पर फिल्में लगी अमित, वो फिल्म मैंने पहले भी देखी दादा, लेकिन वो फिल्म थी फ्रेकियाली, फ्रेकियाली फिल्म, फ्रेकियाली. तो एक गोल्ड प्लेयर के ऊपर एक फिल्म, मैं एक बार वापस देखने लगा और मुझे लगा कि ये जो चेहरा है नवाज साहब, उसको अगर हम कंप्यूटर में थोड़ा दाढ़ी भिड़ी लगा के आपने देख लिया मैंने और अभिजीत ने, और बोला भाई बाला साहब ठाकरे तो बन सकते हैं, लेकिन उनके चाल नहीं, जरा देखें उनकी चाल कैसी. तो जब वो के वो मैदान से चलते हैं अपने स्टाइल में तो पूरा किट लेकर, तो ना ये चाल में भी दम है उनके. एक बार मैंने बुलाया ताज लैंसन में और मैं उनको चेहरों को नहीं देख रहा था, वो कैसे चल रहे हैं, स्टाइल क्या है, तो मैं देख रहा. 2 मिनट में उनको बोल दिया कि आप, मैं ठाकरे फिल्म बना रहे हैं और आप बाला साहब ठाकरे. जैसे हमारे डायरेक्टर जी है अभिजीत पान, उनको भी कहा कि आपको हमको ठाकरे बनाना है और आपको डायरेक्शन. ये हम जो तो कास्टिंग का जो चलता है ना, यहाँ कोई कास्टिंग काउच नहीं हुआ ना जेंट्स ना लेडीज, एक एक मिनट में हमने कास्टिंग कर दिया बस. ये माँ साहब, ये कोई दत्ता जी सालवी है क्या, हमने हमारे दिमाग में पूरे कास्ट फिट हमने कर दिया. हमको बाला साहब को दिखाना है और उनका माहौल दिखाना है. मुझे लगता है हम थोड़ी बहुत उसमें कोशिश की है. अभी आप क्यों पर लेकिन कोशिश में कामयाब है मिलेगी. मैं नवाज से जानना चाहूंगा, नवाज जब हम बाला साहब की बात करते हैं तो सरकार राज और सरकार फिल्म याद आती है जो अमिताभ बच्चन साहब ने की थी, और अगर हम वो फिल्में वो फिल्मों को याद करें तो ध्यान में ये आता है कि बाला साहब
इस तरह से ड्रेसअप होते थे, इस तरह से रहते थे, लेकिन आप लुक की अगर हम बात करें तो आपको देख के कहीं भी महसूस नहीं होता कि बाला साहब को नहीं देख रहे हैं। क्या आपको लगता है ठाकरे से आप बच्चन साहब ने जो किया उसको ओवर शेडो कर देंगे? देखिये, ओवर शेडो तो कोई किसी को नहीं करता, हर आदमी का अपना तरीका होता है, मेथड होता है करने का। दूसरी बात यह है कि लुक की अगर जहां तक आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत डिपेंड, मोस्टली डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। तो मैं अपना श्रेय मेकअप आर्टिस्ट को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो हम लोगों ने मेहनत की है, और जैसे राव साहब ने बताया कि वो कैसे चलते थे, वो कैसे बातें करते थे, मैनरिज्म, उनका थॉट प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए मेहनत लगती है। लुक तो आप, अगर मैं आपको, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं आपको 2 मिनट में आपको सेम लुक दे दूँ, वो इट इज नॉट माई, मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है उसमें लुक में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थॉट प्रोसेस, उस वक्त जो मोमेंट में बाला साहब है वो क्या सोच रहे होंगे, वो अचीव करना, वो जैसे मैंने बताया उसकी कोशिश की जा सकती है, वो हमने की और उसके लिए बहुत मेहनत की। नमस्कार, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। बातें जैसे मैं शूटिंग में तो बहुत कम जाता था, लेकिन पीछे से देखता था हमेशा क्या चल रहा है। हॉर्निमन सर्कल में शूटिंग चल रहा था, जो आपने देखा ट्राम में बाला साहब बैठते जा रहे हैं ट्राम में, और उसके अंदर वो गली से भी चल रहे, तो मैंने अचानक देखा कि यार बाला साहब के गले में झोला है। मैं बोला ये बाला साहब तुम्हें झोला फोला लेकर नहीं घूमते थे, निकाल दो भाई। ये छोटी छोटी तो बात है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अचानक, क्योंकि साहब को जिसने देखा है उसको ये समझ रहे कि नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी बात की हमने, बाला साहब नहीं इस प्रकार की चप्पल नहीं पहनेंगे, इस प्रकार की वो तो हो गया बाद में। ठीक है सर, उदय यादव, पहला प्रश्न साहेबांना सर, उद्धव साहेबांना, तुम्हाला ट्रेलर कसा वाटला आणि ह्या सिनेमाबद्दल तुम्ही काही सूचना दिल्या होत्या का की सुने सिनेमा हा असा बनला पाहिजे? पहिलं म्हणजे मला कसा वाटला याच्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना कसा वाटला, कारण चित्रपट मी एका नाही बघणार, संपूर्ण देशच नव्हे, तुम्ही मगाशी सांगितलं की हा चित्रपट जगभर गेला पाहिजे, आणि तो जगभर तेव्हाच जाऊ शकतो की ज्यावेळेस त्याच्यात काहीतरी दम असतो, आणि मला असं वाटतं या चित्रपटात नक्कीच जाऊ। अतिशय नुसत्या मेहनतीला पण अर्थ नसतो, जीव ओतून मेहनत करावी लागते। जसं नवाल भाई आपने कहा की मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते, पण जोपर्यंत त्याच्यामध्ये कलाकार आपला जीव ओतत नाही तोपर्यंत ते व्यक्तिमत्व उभं नाही होत। आणि मला असं वाटतं अतिशय मेहनतीने जीव तोडून जीव ओतून सगळ्यांनी काम केलेलं आहे। नमस्कार, मैं रेखा खान, नव भारत टाइम्स से, मेरे 2 दिन सवाल है। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, बहुत ही सुपर फैंटास्टिक ट्रेलर है, और मैं कह सकती हूँ कि ट्रेलर तो ऐसा है तो फिल्म अभी बाकी है, तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले नवाज, मैं बहुत आपको अभिनंदन कहना चाहूंगी, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बहुत ही, हम सभी जानते हैं कि बाला साहब बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे, और उनके बहुत सारे रंग थे, उनके बहुत सारे पहलू थे। आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा पहलू रहा? क्योंकि जाहिर है वो एक इतने बड़े नेता थे, पिता थे, पति थे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा पहलू जीना उनके लिए मुश्किल था? क्योंकि उनका तो कोई भी पहलू बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, है ना, उसको निभाना। और जो इनकी स्पीचेस थी, जो ईज था उनके पास, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो जो ईज था उनके पास बात करने का, और जो उनकी स्पीचेस जैसे आजकल देखा जाए तो वैसी नहीं थी, बहुत ही कन्वर्सेशनल होती थी। जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास ऑडियंस को ऐसा फील होता होगा उस वक्त पे कि जैसे उनके पास बैठ के उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको उनको बोल रहे हैं, उसको महसूस होता था, ऑडियंस को महसूस होता था, तो वो बातें करते थे, वो स्पीच नहीं होती थी उनकी। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था एक्चुअली कि जब वो स्पीचेस हों, एक ईज हो और वो बिल्कुल लाइक कन्वर्सेशनल हो। और भी लाइक जैसे सबसे बड़ी बात ये होती कि आप जो कनेक्शन, उनका जो कनेक्शन था लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो हमने कोशिश की। तो नवाज, ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बायोपिक स्पेशलिस्ट बन गए हैं। मंटो में आपने बहुत बेहतरीन काम किया, रमन नागो में तो आपने मतलब सबके रोंगटे खड़े कर दिए, और आप ये बाला साहब ठाकरे, तो एक बायोपिक में आपकी बहुत एक महारत सीखने को मिल रही है। नहीं, महारत तो देखो किसी चीज में नहीं होती, मैं कोई परफेक्शन तक पहुंचने की वो होती है,
बट पहुंचता कोई नहीं है, तो बस पूरी लाइफ यही होती है कि उसको खोजते रहें, डिस्कवर करते रहें, फाइंड आउट करते रहें कि क्या करेक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। तो परफेक्शन तो या महारत भी तो या महारत तो हासिल मैंने की नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है। एक सवाल मैं डायरेक्टर साहब से करना चाहूंगी। अभिजीत जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब बायोपिक्स होती हैं तो उसमें किसी भी किरदार को बहुत ज्यादा एक हीरोइक अंदाज में दर्शाया जाता है, काफी महिमा मंडित किया जाता है। बाड़ा साहब की पर्सनैलिटी तो खैर हीरोइक थी ही हर तरह से, लेकिन हम देखते हैं कि बायोपिक्स में बहुत सारे जो ग्रे पहलू होते हैं वो नजर नहीं आते हैं। और बहुत बार हमने ऑफ लेट बॉलीवुड में देखी है, बहुत सारी बायोपिक करती हैं जो उस चरित्र, जो उतना लेजेंडरी किरदार थे, उनके साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाए। तो इस ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, तो किस तरह से ये कितना न्याय दे पाएगी और ये चैलेंज को आप किस तरह से पूरा कर पाएंगे? मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि हीरोइक दिखाने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। शुरुआत का जो सेक्शन था वो बाला साहब को कैसे हीरोइक ना दिखा सकते हैं उस पर हमारी मेहनत थी, क्योंकि डे वन से बाला साहब ठाकरे पूरे देश के लिए हीरो है। और जो बाकी बायोपिक में क्या होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत एक रियलिज्म को पकड़ के हम लोग चल रहे थे उनके। तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित असा ठाकरे सिनेमाचा ट्रेलर या ठिकाणी लॉन्च झालेला आहे। आणि यासोबतच बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची, मात्र ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।